हम इस वक्त हैं कनाडा में. कनाडा की तीन बड़ी मशहूर एक्सपोर्ट्स हैं कार्स, मेपल सिरप एंड जोश. आप दोनों मिलके काम करते हैं, कोलैबोरेशन का फेवरेट पार्ट आपके लिए क्यों क्या है? लड़ाई झगड़ा तो होता है एज इन एनी कोलैबोरेशन, लेकिन आई थिंक दैट हमारी जो जर्नी है उसमें धक्के खाने पड़ते हैं और अभी तक यू नो स्ट्रगल जारी रहती है, कुछ अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं. एंड उन मोमेंट्स में टू हैव समबडी विथ यू मेक्स अ बिग डिफरेंस. आई एम फीलिंग डाउन कि यार यू नो दिस इज़ नॉट गुड, ये नहीं आ रहा, तो यू नो रूप कैन टर्न अराउंड एंड बी लाइक लिसन डोंट वरी कुछ कर लेंगे, यू नो, एंड वी कैन बाउंस दैट ऑफ ईच अदर व्हिच मेक्स अ बिग डिफरेंस आई थिंक. सो बेसिकली कोई आपके साथ है जो आपकी पेन को समझता भी है, उसको शेयर भी करता है. अब आप मुझे उसकी फ्लिप साइड बताएं, अनोइंग पार्ट क्या है कोलैबोरेशन का? देखो मेरे लिए अनोइंग कुछ नहीं है क्योंकि मैं पंजाबी हूँ बैंड में, तो जब लड़ाई झगड़े होते हैं तो यू नो आई एम द स्ट्रॉन्गर ऑब्वियसली, देख लो. डू यू एग्री दैट ही इज द स्ट्रॉन्गर वन? वी विल आंसर दैट ऑफ रिकॉर्ड. देखो फ्लिप साइड इसका डेफिनेटली है. There's always that battle for, you know, the influence on the track. देखो इनके जो influences है और inspirations है, they're from one side और मेरे different होते हैं. So for us to agree on one song, one sound और lyrically भी, ये बहुत बड़ी बात होती है for us. So उस process में there's always, you know, I'm pushing for my sound, he might be pushing for his sound. लेकिन जब गाना बन जाता है, that is the one sound that we're both happy with. अगर आपको ये रेट करना हो, रैंकिंग करनी हो कि जब आप म्यूज़िक बनाते हैं तो आपकी अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स और जो आप क्रिएट करना चाह रहे हैं वो ऑडियंस की लाइक्स और डिसलाइक्स और बिजनेस वायबिलिटी, इन तीनों को आप कैसे रेट करते हैं अपने क्रिएटिव प्रोसेस में जब कुछ बना रहे होते हैं? आई थिंक दैट फ्रॉम अ क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू हम लोगों ने एक चीज़ काफ़ी मतलब पहले ही सीख ली थी कि अगर आप वो चीज़ नहीं बना रहे जो आपके दिल से निकल रही है तो वो काम नहीं करेगी. बिकॉज द रीज़न हम लोग जब जैसे कि म्यूज़िक में शुरू करते हैं तो हम लोग म्यूज़िक अपने लिए बनाते हैं, एज आर्टिस्ट वी जस्ट वॉन्ट एक्सप्रेस आर सेल्व्स, एंड वही चीज़ वो जो सच बात जो दिल से निकलती है वही दिलों तक पहुँचती है. उसके बाद उसको कहाँ पर प्लेस करना, उसको किस तरह किस चैनल के थ्रू रिलीज़ करना, किस मतलब अगर कोलैबोरेशन करनी है तो कौन सा आर्टिस्ट उसमें ज़्यादा सूट होगा, दैट इज़ क्रिएटिविटी यूज़ होती है ओरिजिनल गाना बनाने में या रीमिक्स करने में. बिकॉज मेरे जैसे बाज़ लोगों का ख्याल ये है कि रीमिक्स किसी ने ओरिजिनल इंस्पिरेशन तो दे दी, उसके ऊपर अगर आपने कुछ कर भी लिया तो कितना बड़ा तीर मार लेंगे. आपको क्या करना बेहतर लगता है? यू नो व्हाट, विद द रीमिक्स द आई नो के पॉपुलर ओपिनियन चैलेंजेस फेस करते हैं आप लोग? हर रोज चैलेंजेस फेस करते हैं. एज यू सी आई एम ऑन माय फोन एंड आई एम एक्चुअली डीलिंग विद इश्यूज राइट नाउ. जो मैं अभी फोन पे देख रहा हूं आ रहे हैं इश्यूज. नाउ व्हाट वी वांट टू डू इज वी वांट टू डू मोर फिल्म म्यूजिक. और उसमें जो चैलेंज है कि हमारे फीलिंग्स का कोई मतलब नहीं है वहाँ पे. ये सीन ऐसा चल रहा है, सीन में ये चीज़ें होंगे तो आपने गाना बेसिकली उस सीन के लिए बनाना है. सो वी आर यूज्ड टू मेकिंग सॉन्ग्स फॉर अस एंड नाउ वी हैव टू मेक सॉन्ग्स फॉर समवन एल्स. तो वो जो प्रोडक्शन साइड है हमारे लिए कुछ नया है और वी आर टैकलिंग इट स्लोली एंड स्लोली. देयर इज अ कपल ऑफ थिंग्स बिकॉज फ्रॉम एन इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू ऑब्वियसली जैसे कि इट्स देयर इज नो सीक्रेट कि एल्बम्स अब लोग ज़्यादा खरीदते नहीं हैं, सिंगल्स पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं. एज फॉर डाउनलोड करते हैं और लोग डाउनलोड हाँ फ्री में डाउनलोड भी करते हैं. तो उसमें ये हो गया कि वो पूरी जो इंडस्ट्री होती थी जो पहले जाके एल्बम रिलीज़ करें तो वो ख़रीदते थे एंड उनके नंबर्स बहुत क्लीन होते थे, वो सब डेड हो गए हैं. यू नो उसके साथ किस तरह यू हैव टू कीप अप विद दोज टाइम्स. ये बताएं आप पाकिस्तान में भी परफॉर्म करते हैं, इंडिया में भी परफॉर्म करते हैं, ऑडियंस में कहीं कोई फ़र्क नज़र आता है या बहुत सिमिलर हैं? You're trying to get me in trouble now. dekho, the one thing that I realized, hum log Pakistan mein kaafi performance kar chuke hain abhi, kuch over 300 shows kar chuke hain Pakistan mein. And one of the things that different in that audience is that wahan pe Bollywood itna zyada nahi hai. Aur unke paas, you know, they've got a lot more time for pop artists. Aur India mein, Bollywood is very, very popular. It's a very big engine.
وہاں پہ پاپ میوزک تو چلتا ہی نہیں. سو دس از دی اونلی ڈفرنس, بٹ ان ٹرمز آف دا پیپل آئی بلیو دیٹ دا پیپل آر دا سیم. لاکھ سر متھے میں جن جا ساری زندگانی, میں تیری رضا دے وچ ہویا راضی, تیری مہربانی کسی دا بھی حق میں نہ کھاواں, اپنی راہ چل جاواں, کسی دا بھی حق میں نہ کھاواں, اپنی راہ.